पांच सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 4 जुलाई की मध्य रात्रि से चक्का जाम करने का आह्वान किया था। बुधवार को शाखा मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद क्षेत्रीय कार्यशाला अजय कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे से रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों पर विचार किया गया और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि 1 महीने के अंदर हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। इसलिए 5 जुलाई से शुरू होने वाले रोडवेज बसों की 48 घंटे के प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। यदि 1 महीने के अंदर हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए शाखा मंत्री अजय कुमार ने कहा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव द्वारा प्रांतीय नेतृत्व को बुलाया गया है, उसमें वार्ता हुई है। उन्होंने 1 महीने के लिए समय मांगा, कहा हम नवनियुक्त अभी आए हैं, हमें भी समय दीजिए। उसमें परिवहन अध्यक्ष जी भी नवनियुक्त आए हैं, शरण और माननीय परिवहन मुख्य सचिव जी, MD साहब, हमारे संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी मौजूद हैं, माननीय CS पांडे जी, माननीय गिरीशचंद मिश्रा जी, माननीय BP मिश्रा राज कर्मचारी संयुक्त परिषद के, और अतुल मिश्रा जी रहें, कृष्णचंद श्रीवास्तव जी रहें, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश सिंह रहें, योगेंद्र सिंह रहें, ये लोग मौजूद रहे हैं। लखनऊ में कार्यरत जो उच्च अधिकारी हमारे हैं, SS गाबा जी रहे हैं, कई लोग उपस्थित रहे हैं। उसमें कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उन्होंने कहा 1 महीने का समय दीजिए, हम आपकी बातों को, आपकी मांगों को 1 महीने के अंदर पूरा करा देंगे, अगर नहीं कराएंगे तब आप लोग चक्का जाम करिएगा। इस पर हमारे प्रांतीय प्रतिनिधि ने उनकी बातों को माना है, हड़ताल स्थगित किया है, हड़ताल खत्म समाप्त नहीं किया, हड़ताल स्थगित किया है। हमारी मांगे 1 महीने के अंदर पूरी नहीं होती है तो फिर हम चक्का जाम हड़ताल करेंगे, हमें मजबूरी है। सरकार हमारे साथ यही बार बार आश्वासन देती रही आ रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नवनियुक्त जो सचिव हैं उन्होंने कहा है कि हम आपको 7वां वेतनमान अगली बैठक में, अगले बोर्ड की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में, परिवहन निगम बोर्ड की बैठक में हम सारी समस्याओं को निदान करेंगे, 7वां वेतनमान दे देंगे, संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम 14,000 वेतन देंगे, मृतक आश्रित को नौकरी देंगे, ACP पर लगी रोक हटा देंगे, और जो समस्याएं अन्य है उस पर भी गंभीरतापूर्वक उन्होंने विचार किया है। इसलिए हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग अपने शाखाओं में, अपने क्षेत्र में बताइए कि हम हड़ताल स्थगित किए हैं इस बात के लिए कि हमारी मांगे 1 महीने के लिए किया गया है, 1 महीने के अंदर नहीं होगा तो फिर हम रोडवेज का चक्का जाम करेंगे, हम अपनी मांगों को लेकर रहेंगे। यही हमारी प्रांत का नेतृत्व का दिशा निर्देश रहा है, इसलिए हम 5 जुलाई को होने वाले हड़ताल को स्थगित कर दिए हैं। आगे जो रणनीति होगी, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे, उसके लिए हम बाध्य हो जाएंगे।